हेलो स्टूडेंट्स आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड का कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर फाइव वर्किंग विद माउस आज हम माउस के साथ किस तरह से काम करना है वो सीखेंगे फिफ्थ चैप्टर वर्किंग विद माउस चलो देखते आपने माउस देखा है ना हम्म तो पहले माउस देखते हैं माउस इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर माउस क्या है कंप्यूटर का पार्ट है माउस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम ये पॉइंट और सिलेक्ट करने में मदद करता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं ना हाँ एक दो तीन होती है उसमें से एक चीज़ चुनते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे ठीक है इट ऑल्सो हेल्प टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन हम इससे क्या कंप्यूटर पे ड्रॉ कर सकते हैं माउस के थ्रू माउस के हेल्प माउस के हेल्प से हम कंप्यूटर पे ड्राइंग कर सकते हैं तो ड्राइंग करने में मदद करता है चलो पढ़ो मेरे साथ द माउस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इट ऑल्सो हेल्प टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इट ऑल्सो हेल्प टू ड्रा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन चलो ये देखो ये इसको कंप्यूटर के बारे में बताया माउस के बारे में बताया है ये आपका राइट बट ये है आपका राइट बटन यह आपका लेफ्ट बटन या आपका स्क्रोलिंग व्हील है ठीक है बच्चों फिर देखो फिर दे बटन्स के बारे में द बटन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस इज साइड देखो जो लेफ्ट साइड है उसे लेफ्ट माउस बटन बोलेंगे और जो देखो द बटन दैट लाइज टू द राइट साइड देखो जो लेफ्ट साइड है उसे क्या बोलेंगे लेफ्ट बटन ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट बटन राइट साइड है तो राइट right बटन बोलेंगे ठीक है बच्चो द बटन दैट लाइज टू द राइट साइड ऑफ द माउस इज कॉल्ड राइट माउस बटन है ना इट हैज़ वायर लाइक टेल इसके पास वायर है जैसे पूछ जैसी देखो वायर है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है है ना इट हैज़ अ वायर लाइक टेल विच इज फिक्स टू द सी पी यू कैबिनेट ये किससे फिक्स होता है सी पी यू के कैबिनेट से माउस इज ऑलवेज कैप्ड ऑन द माउस पैड माउस कहाँ रखते हैं हम माउस पैड पे ठीक है हाँ तो पहले हमने क्या देखा देखो माउस हमें क्या क्या करने में हेल्प करता है कंप्यूटर में ड्राइंग करने में भी हेल्प करता है ना इसके मदद से जो राइट right साइड है उसे राइट right बटन जो लेफ्ट साइड है उसे लेफ्ट बटन कहते हैं और इसे हम कहाँ रखते हैं माउस पैड पे और इसके पास क्या होता है एक छोटा सा वायर होता है जो कंप्यूटर सीपीयू से कनेक्ट होता है है ना फिर माउस पॉइंटर अभी माउस पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट और सिलेक्ट द आइटम ऑन द मॉनिटर हम माउस की यूज करते हैं कुछ भी चीज पे पॉइंट करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए मॉनिटर पे ठीक है आइटम ऑन द मॉनिटर वी ऑल्सो यूज़ इट टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर देखो पहले तो हम किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मॉनिटर पे ठीक है फिर क्या गेम्स खेलने के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए वैन वी मूव द माउस द an एरो देखो जब भी आप माउस यूज करते हो तो ऐसा एरो आता है ना कंप्यूटर में मूव लॉन्ग इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव होता है इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंटर उसे क्या कहते हैं पॉइंटर चलो अभी देखते हैं होल्ड द माउस होल्डिंग द माउस माउस को किस तरह से होल्ड करना है? देखो ये पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से माउस को पकड़ा है वेरी गुड कंप्यूटर वाला माउस हाँ लुक एट द पिक्चर पिक्चर में देखो टू लर्न द करेक्ट वे टू होल्ड द माउस ये देखो किस तरह से पकड़ा है देखो ये सही तरीका है माउस को पकड़ने का होल्ड द माउस टाइटली माउस को हम कैसे एकदम जोर से पकड़ के रखना है टाइटली सो दैट यूर प्लाम रेस्ट ऑन इट तो उसके आप अपने हाथ को रख सको देखो कितने अच्छे से रखा है पोटी ऑफ इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है लेफ्ट साइड में ठीक है ये देखो आपका इंडेक्स फिंगर कहाँ है लेफ्ट साइड में है फिर पोटी ऑफ मिडल फिंगर कहाँ रहना है मिडल फिंगर बटन पे है ना ये रहा पुट योर मिडल फिंगर ऑन द राइट साइड ये देखिए रहा ठीक है बच्चों तो आपको देखा किस तरह से करना है वेरी गुड अभी यूजिंग ऑफ माउस हम माउस कैसे यूज़ करते हैं ठीक है वी यूज़ द माउस बाय प्रेसिंग इट बटन हम माउस को कैसे यूज करते हैं है? उसके बटनस को प्रेस करके वी यूज़ द माउस बाय प्रेसिंग इट बटन प्रेसिंग द बटन इन कॉल्ड क्लिकिंग जो बटन को हम आवा, दबाते हैं तो उसमें क्लिक करके आवाज आता है ना उसको हम क्या बोलेंगे क्लिकिंग देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लिक्स वहाँ पे तीन तरीके के क्लिक्स है कितने तीन है ना कितने तरीके के क्लिक्स है तीन तरीके के लेफ्ट क्लिक चलो पहले हम लेफ़्ट क्लिक के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक द क्लिक द लेफ्ट बटन वंस एक बार दबाओगे दिस इज यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर यू पॉइंट इट अब किसी भी चीज़ पे पॉइंट करोगे और फिर एक बार लेफ्ट की दबाओगे तो क्या होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों सेलेक्ट देखो लेफ्ट की से क्या होगा वो सिलेक्ट करके ओपन हो जाएगा देखो पहले तो देखो क्लिक द लेफ्ट बटन वंस दिस इज यूज टू सिलेक्ट आपको कोई भी करोगे पॉइंट करके कौन सा की लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करोगे फिर राइट right क्लिक करोगे तो क्या होगा क्लिक द राइट बटन वंस दिस इज़ यूज टू असिस डिफरेंट ऑप्शन क्विकली आप राइट right क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको आप लेफ्ट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा लेफ्ट में क्या होगा सिलेक्ट लेफ्ट में क्या होगा बच्चों सिलेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा उसको पॉइंट लेके जाना पड़ेगा फिर सेकंड में क्या होगा राइट right में क्या करोगे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे आपको फिर देखो डबल क्लिक करोगे आप है ना डबल क्लिक मतलब दो बार क्लिक करोगे क्लिक क्लिक तो देखो क्लिक द लेफ्ट बटन ट्वाइस ट्वाइस मतलब दो बार तो देखो फटाफट हाँ ऐसे नहीं टाइम लेके क्विकली क्लिक द लेफ्ट बटन ट्वाइस क्विकली दिस इज़ यूज टू स्टार्ट द एक्टिविटी आफ्टर यू आफ्टर यू हैव सिलेक्ट इट और टू ओपन अ फाइल अभी देखो आप है ना एक आ, कौन सा लेफ़्ट साइड वाला दो बार क्लिक करोगे क्लिक क्लिक तो क्या होगा फटाफट करना है क्लिक ट्वाइस त्वा, और क्विकली तो क्या होगा वो सिलेक्ट होगा और वो ओपन होगा भले आप पेंट खोल रहे हो गेम्स खोल रहे हो तो दो बार आपको क्लिक करना पड़ता है ना हाँ तो ये ओपन होगा ठीक है बच्चों तो आपको ये समझ में आया अभी देखो अभी क्या कहते हो ड्रैगिंग एंड ड्रॉग ड्रैग ड्रॉप अभी ड्रैगिंग और ड्रॉप का देखेंगे तो इसमें क्या होता है वैन द माउस इज़ मूव बाई क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन आप है ना लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके उसको ले कंटिन्यूसली लेके जाओ फॉर अ लॉन्ग टाइम आप ज़्यादा समय के लिए उसको पकड़े रखो और इसे खींच के लेके जाओ तो क्या होगा उसको ड्रैगिंग कहते हैं क्या होगा ड्रैगिंग वैन द माउस इज मूव बाय द मूव बाई क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम उसको प्रेस्ड मतलब दबा के रखा है ठीक है इट इज़ नोन एस इसको क्या बोलेंगे ड्रैगिंग रिलीजिंग द माउस बटन एट अ न्यू लोकेशन देखो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैक करके लेके गए उसे क्या बोलेंगे ड्रॉपिंग क्या बोलेंगे ड्रॉपिंग क्या बोलेंगे बच्चों ड्रॉपिंग रिलीजिंग द माउस बटन एट द न्यू लोकेशन नई जगह पे रखोगे ना आपने क्या सिलेक्ट किया तो उसे क्या कहोगे ड्रॉपिंग कहोगे ठीक है बच्चों तो आज हमने क्या सीखा कि यूजेस किस तरह से यूज़ करना है फिर उसके बटन्स कैसे यूज़ करते हैं माउस के है ना हाँ राइट वाला कैसे लेफ्ट वाला कैसे है ना बच्चों आपने इसी? वो देखा है ना माउस hmm, से हम क्या कर सकते हैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं ना बच्चों होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो